प्रधानमंत्री आवास शहरी हितग्राहियों का भूमि पूजन और गृह प्रवेश कार्यक्रम समारोह हुआ। सांसद गजेंद्र पटेल ने भूमि पूजन और गृह प्रवेश की शुरुआत होली टेकरा क्षेत्र से की है, जिसका मुख्य आयोजन टाउन हॉल में हुआ। सीएमओ प्रियंका पटेल ने बताया कि प्रदेश में करीब 1,00,000 से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने का 4100 करोड़ की लागत से बनने वाले आवासों में से 26,600 हितग्राहियों को 250 करोड़ और 50,000 को गृह प्रवेश कराया गया। सांसद ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि भाजपा सरकार द्वारा बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र को दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा प्रत्येक गरीब को घर देना है। इस दौरान नगरपालिका अधिकारी, कर्मचारी और हितग्राही मौजूद रहे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। 21 मतलब 4 करोड़, 4.5 करोड़ के खातों में पैसे जाने वाले, 4.5 करोड़ रुपए के, और हितग्राही हैं हमारे इसमें 600 ग्रह प्रवेश होंगे। अपने जिले के 600 ग्रह प्रवेश होंगे जो नगरपालिका है खरगोन प्रॉपर के। 84 लोग ऐसे हैं जिसकी दूसरी किस्त डालने वाली, और हमारे इस खरगोन शहर में 4.5 करोड़ रुपए सीधे भोपाल से यहाँ के खातों में डलने वाले हैं। अब आप कल्पना कर लीजिए, हम बैंक की तरफ दौड़ते थे, इसलिए आपका कैसे मकान बन सकता। अभी मैं पारसीपुरा के 5 मकानों का उद्घाटन करके आया हूँ। एक अनुसूचित जाति के समाज का मकान था, एक ओबीसी समाज के मकान का उद्घाटन था, एक मुस्लिम समाज की बहन का उद्घाटन था। ये सरकार ऐसी है, देश की सरकार, जो कभी समाजों में अंतर नहीं करती। गरीब की कोई जाति नहीं होती, गरीब का कोई धर्म नहीं होता। गरीब गरीब होता है गरीब के जीवन को उठाने के लिए सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास अगर किसी अनुसूचित जाति को मिला है तो मुस्लिम बहनों को भी देने का काम और अधिकार मध्यप्रदेश की सरकार ने दिया। ये सरकार है ना, और इससे अभी आदरणीय सीमो मैडम बता रहे थी कि 6 DPR तैयार किए। अभी हमारे कन्हैया जी बता रहे थे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी, पांचवी और छठी इस प्रकार से DPR तैयार हुई। एक विषय हो रहा है, शायद चौथी या पांचवी DPR में कुछ पैसे बाकी हैं। बात करेंगे उसमें, परंतु इस प्रकार से कालखंड में हमारी सरकार काम कर रही है। कि हमें हमसे कुछ ही समय में प्रभारी मंत्री महोदय भी ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं, जो जिले के समस्त नगर निकायों से जुड़े हैं ऑनलाइन के माध्यम से। आज के इस कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर में 1,00,000 हितग्राहियों का भूमि और गृह प्रवेश का कार्यक्रम किया जा रहा है, जो भोपाल से आयोजित हो रहा है। हमारे यहाँ पे मैं सभी को अवगत कराना चाहूंगी कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने के लिए 6 DPR तैयार की। इन सभी DPRों में लगभग 5,500 हितग्राही हमारे स्वीकृत हितग्राही हैं। इसके अतिरिक्त हमने अभी नई DPR भी तैयार की है, जिसमें 1,800 हितग्राही और चयनित हुए हैं। शासन से अभी तक जो राशि प्राप्त हुई है वो 121 करोड़ के लगभग है। इन 5,500 आवासों में से 3,500 आवास हमारे ऐसे हैं जो पूर्ण होकर हितग्राही उसमें निवासरत हैं। 1,700-1,800 लगभग आवास ऐसे हैं जिनमें अभी भी कार्य प्रगति रहता है। आज के इस कार्यक्रम में जो हितग्राहियों को अंशदान यहाँ से अभी मिलने वाला है उसकी राशि है 4,55,00,000। इसमें से प्रथम किस्त जो है 71 लोगों को मिलने वाली है, जिसकी राशि 1,00,000 रुपये है। 384 लोगों को 1,00,000 की द्वितीय किस्त की राशि यहाँ से मिलने वाली है। इस कार्यक्रम में हम 388 लोगों का भूमि पूजन का कार्यक्रम एवं 600 हितग्राहियों का गृह प्रवेश का कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री के कदमों से एवं यहाँ पर उपस्थित हैं उनके कदमों से होने जा रहा है। सर, आज के कार्यक्रम में मैं यहाँ पे सभी को स्वागत करना चाहूँगी। सर, आप सभी का बधाई, थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।